यहाँ पे बाइक यहाँ 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 क्यों नहीं खड़े हो सकते कोशिश करूँ पर बात करते करते हमेशा आदत से मजबूर आज की शाम आपके लिए कितनी खास है बहुत अच्छा लग रहा है टू बी पार्ट ऑफ द फर्स्ट बॉक्स ऑफिस इंडिया अवार्ड इट फील्स रियली नाइस अच्छा इसलिए भी लग रहा है बिकॉज आई एम अ प्रोड्यूसर सन और हमें पता है कि बॉक्स ऑफिस सक्सेस बचपन से मुझे बताया गया कितने मायने रखता है तो अच्छा लग रहा है इट्स अ नाइस डिफरेंट यूनिक काइंड ऑफ अवार्ड टू हैव अमंग सो मेनी अदर इम्पोर्टेंट अवार्ड्स दैट आर देयर तो आपके लिए क्या ज्यादा मायने रखता है अवार्ड या रिवॉर्ड अवार्ड मिलना मतलब एक रिवॉर्ड ही होता है ना आपके काम को सराहा गया रिवॉर्ड बॉक्स ऑफिस सक्सेस क्रिटिक्स अप्रोच के अलावा नहीं मतलब ये तो अवार्ड है तो हम अवार्ड की बात कर रहे हैं इससे अलग कुछ जाना आप सवाल अच्छा पूछो तो मैं जवाब अच्छा दे दूंगा ये आपने अवार्ड और रिवॉर्ड मेरे लिए रिवॉर्ड है कि अच्छा अवार्ड मिलना अर्जुन ऐसा कहा जाता है यू नो कि जब क्रिटिक्स अप्रोच किसी फिल्म आजकल की फिल्मों में किसी फिल्म को अगर क्रिटिक्स अप्रोच बहुत अच्छी मिलती है तो बॉक्स ऑफिस सक्सेस उतनी नहीं हो पाती है इस बात पे नहीं मैं इस बात से सहमत नहीं हूं आई थिंक क्रिटिक्स आर नॉट ओनली लिमिटेड टू द पीपल हु राइट आप भी एक क्रिटिक हो आप पिक्चर देखते हो आपकी भी एक क्रिटिकल एनालिसिस होती है बहुत सारे लोगों के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं हमारा देश काफी सारे पॉइंट ऑफ व्यू से बना है कुछ चीजें जो कई लोगों को पसंद है वो कुछ ऑडियंस को नहीं पसंद है तो आई थिंक इट्स नॉट ओनली अबाउट क्रिटिकल एनालिसिस डोंट हेल्प अ फिल्म और द हेल्प अ फिल्म सबके अपने अपने देखने के नजरिए होते हैं अच्छी फिल्म को कभी कभी जरूरत होती है अच्छे क्रिटिकल रिव्यूज की ताकि आपको पता लगे कि ये पिक्चर लगी भी है सम फिल्म्स आर नॉट अफेक्टेड बाय इट बिकॉज दे हैव अ सर्टेन स्टार वैल्यू टू इट सो इट्स टू ईच फिल्म हैज इट्स ओन जर्नी दैट जी आप कुछ पूछ रहे हैं जी जी ये एक रियल है कि क्या है ये अच्छा सवाल है ये हकीकत है या नहीं है देखिए यार वी आर हियर टू डिस्कस एन अवार्ड शो सो लेट्स टॉक अबाउट दैट एंड लेट्स टॉक अबाउट वर्क यार इट्स ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ बीइंग इन दिस प्रोफेशन यू कांट लेट इट बॉग यू डाउन ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इवेंचुअली यू मूव अहेड यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क एंड देयर आर मेनी अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स टू लुक एट जी आई थिंक द फैक्ट दैट ही स्टिल यंग एट हार्ट मोर देन इवन ऑल ऑफ अस आर उनकी एनर्जी द अबिलिटी टू स्टिल एंजॉय हिज वर्क आज भी जब उनके बारे में हम सुनते और देखते कि वो अपने काम को लेकर कितने एक्साइटेड रहते हैं ही स्टिल गोइंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आई विश हिम ऑल द सक्सेस वी ऑल ग्रोन अप वॉचिंग एंड एडमायरिंग हिज वर्क एंड आई होप ही कंटिन्यूज टू एंटरटेन अस फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम टू कम आखिरी हु एम आई वेयरिंग टू आई एम वेयरिंग केनेथ कोल पॉल स्मिथ एंड गुची शूज I wish each and every person a very, very happy Diwali and a prosperous New Year. Thank you.